नमस्कार, आप देख रहे हैं वेनस न्यूज़ नेटवर्क, मैं हूं आप सब खुशी। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। दो बच्चों की मां से किया रेप, युवक के महिला ने के पति और बच्चे की हत्या करने की धमकी देकर किया दुष्कर्म और गिरफ्तार। बिलासपुर से यह खबर सामने आ रही है। बिलासपुर की शादीशुदा महिला और दो बच्चे की मां से रेप करने के आरोप में पुलिस ने दुर्ग से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बदमाश युवक का एक महिला के मोहल्ले में आना जाना हुआ रहता था। इस दौरान पड़ोसी महिला को उसे देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई। उसने महिला को उसके पति और बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई की है। मामला तोरावा थाना क्षेत्र अंतर्गत का है और पुलिस के अनुसार सिरगट्टी क्षेत्र में रहने वाली युवती की शादी साल 2014 में तोराता क्षेत्र में रहने वाली युवक के से हुई है। उनके दो बच्चे भी हैं। दुर्ग जिले में सुपेला के कृष्णनगर निवासी सागर भारती 25 तोरावा के अपने रिश्तेदार में घर पे आता जाता था, तभी उसकी पहचान महिला और उसके पति से हुई। सागर भारती और उनके बच्चों को खिलाने के बहाने उनके घर पर आना जाना करता था, तभी महिला पर उसकी नीयत बिगड़ गई। पति और बच्चे की हत्या करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी युवक 2020 में उसके पति और बच्चे की हत्या करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह कई बार शारीरिक संबंध बनाते रहा। महिला डर के कारण इस घटना की जानकारी अपने पति को नहीं दे सकी। वह युवक की हरकतों से तंग आ गई थी। किसी तरह हिम्मत जुड़ाकर उसने पति के माध्यम से महिला पुलिस तक के शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने दुर्ग के सुपेला में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। मोबाइल से कॉल करता था और किया परेशान। महिला की पहचान होने के बाद युवक ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया, जिसके बाद वह मोबाइल पर कॉल करके महिला को परेशान करने लगा। उसकी हरकतें को देखकर महिला ने 2020 में उसने पहले मिलने को बुलाया। बिलासपुर में आने पर युवक ने घर पर महिला उसे समझाइश दे रही थी, तभी उससे अकेली पाकर युवक ने दो बच्चों को व पति की जान से मारने की धमकी देकर उससे दुष्कर्म किया। पहली बार उसने तब दुष्कर्म किया। पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने। महिला संबंधी अपराध के संवेदनशीलता माना जा रहा है। ऐसे में ऐसे केस में पीड़िता की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश जारी किए थे, लिहाजा पुलिस ऐसे मामलों में कभी पीड़िता से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक नहीं करती। लेकिन बुधवार को जारी प्रेस रिलीज में तोरावा पुलिस ने पीड़िता महिला की पहचान उजागर कर दी। ऐसी खबरें फिर लेकर आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।